हाय एवरीवन, दिस इज़ अंकिता. एज़ यू नो, आई एम फ्रॉम मुंशी. आज हम इस लाइव में ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे इन क्लासेस में क्या क्या डिटेल में सिलेबस कवर होने वाला है. मेरे पास लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारी क्वेरीज़ आई हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ़ द क्वेरीज़ में लोगों ने यही चीज़ पूछी है कि मैम, आप इसमें कवर क्या करने वाले हो, हमें डिटेल में समझाओ. और दूसरा कि आप खुद क्या हो, आपकी खुद की क्वालिफ़िकेशन क्या है. तो सबसे पहले तो मैं ये आंसर करूँगी कि मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ. आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम रिसेंटली वर्किंग इन जलंधर एज अ प्रैक्टिसिंग CA. एंड नेक्स्ट आई विल कवर द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ माय क्लासेस, कि इसमें क्या क्या चीज़ हम कवर करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा सबसे पहला मेन एम ये है कि आपको अकाउंट्स के रिगार्डिंग हर चीज़ डिटेल्ड में समझ आए और कैसे उसे अप्लाई करना है वो सब समझ आए. सबसे पहले हम लेंगे अपने सॉफ्टवेयर को, जो है कैट प्रो. उसमें जो भी आपकी चीज़ें चलनी हैं, कुछ भी आपने करना है, वो सॉफ्टवेयर में फीडिंग कैसे करनी है, वो चीज़ हमने इसमें कवर करनी है. बेसिकली जो बच्चे हमारे BCom के हैं, BBA के हैं, या कॉमर्स बैकग्राउंड के किसी भी डिग्री के हैं, चाहे उन्होंने प्लस टू ही क्यों नहीं की हो, उन्हें एक बेसिक क्लियर होता है. अपनी एंट्रीज़ पता होती हैं, हर चीज़ थ्योरेटिकली कुछ कुछ समझ आई होती है. लेकिन जो पर्सन्स हमारे हैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पता होती. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्लासेस सेपरेटली उनके लिए लगानी है जो इस बैकग्राउंड के नहीं हैं, और उनको कैसे बेसिक क्लियर करना है, कैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है, सबसे पहले तो ये कवर करना है. उसके बाद आ जाती है बात कि एक बार जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग और कॉमर्स बैकग्राउंड के सेम लेवल पे आ जाएंगे, सेम स्टेज पे आ जाएंगे, उसके बाद हम ये कवर करेंगे कि आगे उन्होंने कैसे काम करना है, कैसे सारी चीज़ों को कंबाइन करके साथ साथ लेके चलना है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स. बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो हमारे चलते हैं, जैसे कैट प्रो हो गया, टैली हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हमने इसमें कवर करने हैं विद योर थ्योरेटिकल नॉलेज, योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, हर चीज़ के ऊपर वर्क करके उसे स्ट्रॉन्ग बना के आगे चलना. सेकेंड थिंग, TDS, उसके बारे में आप सबको पता है. जो इस फील्ड के हैं, कॉमर्स लाइन के हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा TDS, TCS क्या होता है. लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज होना अलग चीज़ है, लेकिन उसे जब हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो चीज़ अलग है. हमने इसमें सारा कुछ आपके थ्योरेटिकल नॉलेज को कंबाइन करके जैसे उसे प्रैक्टिकली चलाना है वो सब चीज़ें इसमें कवर करनी है. देन आ जाता है आपका GST, जो बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल. प्लस उसमें रोज़ के रोज़ कोई ना कोई चेंजेस आई जा रही हैं. वो सारी चीज़ें, सारी थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कैसे हमने GST की हर चीज़ को, बिल्स को कैसे एंटर करना है, हमने कैसे उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है, कैसे उसे पे करवाना है, हर एक चीज़ जो है सिस्टमैटिकली पहले तो सिखानी है कॉन्सेप्चुअली कि वो होती क्या है, कैसे चलती हैं, मेन कॉन्सेप्ट क्या है. आपने अपनी थ्योरी में पढ़ी, बहुत बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है GST, लेकिन जब उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो जो जो चीज़ें हमने मेन ध्यान में रखनी है, हमने सब वो आगे लेके चलना है विद सॉफ्टवेयर्स, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड GST पोर्टल्स. कैसे ईवे बिलिंग होती है, कैसे हर चीज़ होती है, वो सब भी इसमें कवर करना है हमने. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का. पंजाब में मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर इम्पोर्ट हाउसेस और एक्सपोर्ट हाउसेस. एक्सपोर्ट हाउसेस जलंधर एंड लुधियाना में बहुत वाइड वैरायटी में है, हर चीज़ की एक्सपोर्ट यहाँ से होती है. और उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, कैसे कस्टम्स के बिल्स को हमने देखना है, कैसे उसे रीड करना है, कैसे उसे रिकॉर्ड करना है, कैसे हमने सारी चीज़ें उसकी ध्यान में रख के आगे चलना है, वो सब हमने इसमें कवर करना है. आपको प्रैक्टिकली जो बिल्स होते हैं किसी ना किसी क्लाइंट के या किसी के भी बिल्स लेके, आपको उससे प्रॉपर प्रैक्टिस करवानी है, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना आपको लगे कि ये तो हमें वेग सा समझाई जा रहे हैं और जब हमने प्रैक्टिकली जाके काम किया तो हमारे सामने कुछ और ही आ रहा है. ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी. जो एक्चुअल चीज़ है वही आपके सामने रखी जाएगी, उसी को आपको समझाया जाएगा, आपसे करवाया जाएगा, पूरी प्रैक्टिस होगी, हर चीज़ इसमें कवर होगी. कोई भी ऐसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल के टाइम में, जो मोस्ट ऑफ़ द इंडस्ट्रीज़ में होती है, उसकी कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं रह जाएगी जो आपको नहीं पता होगी. एक्सपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट के बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स होते हैं,
हमारे कस्टम के रिफंड्स आते हैं, GST रिफंड्स आते हैं, हमारे ड्रॉबैक्स आते हैं, इन फोकस आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने कैसे अप्लाई करनी है, कैसे पार्टी की हर चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे आगे चलना है, कैसे उसे रिकॉर्ड करना है, कैसे रिटर्न्स में भेजना है, जो चीज़ें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज में कभी नहीं सिखाई जा सकती, वो सब चीज़ें आपको तभी पता लगेंगी जब आप प्रैक्टिकली देखोगे वो कैसे होती हैं, अपने हाथ से करके देखोगे, फिर आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। ये तो हुई सारी आपकी रिकॉर्डिंग की बात, कि हर चीज़ आपने कैसे रिकॉर्ड करनी है, कैसे उसे आगे इम्प्लीमेंट करना है, ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद आ जाते हैं जब हम किसी के हाथ से किया हुआ काम टेक ओवर करते हैं, हमने उसका काम लिया, हमने सबसे पहले चेक करना होता है कि वो काम हुआ कैसे हुआ है। जब हमें खुद नहीं पता होगा, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो हम आगे जाके किसी और के काम को चेक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद आता है लेजर स्क्रूटनी, कि लेजर एक बार आपने बुक सारी लिख ली, सब कुछ कर लिया, जब फाइनल करने अकाउंट्स अपनी बैलेंस शीट्स फाइनल करनी है, उस वक्त आपको हर एक चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे कैसे वो सब कुछ चलेगा, क्या हमने सब ठीक किया हुआ है, कोई चीज़ ओवरलुक नहीं हो गई, किसको कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या उसके आप कह सकते हो कि हम कैसे बाइफरकेट करते हैं चीज़ों को, रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, हर चीज़ सब आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, दैट इज़ वेरी गुड, बट जब उसे प्रैक्टिकली करना पड़ता है ना, तो चीज़ें बहुत अलग तरह से निकलती हैं, जो सब कुछ हमने आपको कंबाइन करके इन क्लासेस में सिखाना है। जब आप ये 45 डेज का कोर्स कंप्लीट करके निकलोगे, देन यू विल बी अ ट्रेंड पर्सन, यू विल नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट अकाउंट्स, अबाउट बैलेंस शीट्स, अबाउट एवरी थिंग, अबाउट टैक्सेस, अबाउट इनकम टैक्स, एवरी थिंग यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी थिंग थरली, कंसेप्चुअली एंड प्रैक्टिकली डन बाय योर हैंड्स, जिस चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस भी इतना बूस्टअप होगा कि आपको खुद को फील होगा कि हम पहले क्या थे और अब क्या हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे सारे टैक्स कैलकुलेशंस, हमारा इनकम टैक्स है, हमारा GST है, हमारी TDS है, जो हमें रूटीन बेसिस पे करना पड़ता है, बाकी सारे टैक्सेस तो आते हैं ईयर एंड पे, और वो हर किसी के प्रोफेशनल्स होते हैं, हर कंपनी के प्रोफेशनल्स होते हैं, वो चीज़ें वो देखते हैं, लेकिन जो रूटीन वाले होते हैं वो सब तो एक अकाउंटेंट को ही देखने पड़ते हैं, तो वो सब कैसे चलेगा, कैसे होगा, उसकी कैलकुलेशंस कैसे हैं, हर एक चीज़ आपको लाइन टू लाइन हर चीज़ समझ आएगी, पता होगी, तभी आप आगे कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हो। उसके बाद हम कवर करेंगे इसमें सारा इनकम टैक्स, जो जो चीज़ें किसी एक पर्सन के लिए रेलिवेंट होती हैं जाननी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूटीन में हर एक पर्सन को पता होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई सर्विस क्लास हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, बहुत चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन थ्योरेटिकली तो पढ़ा होता है, लेकिन जब किया करना पड़ता है काम, तब चीज़ें पता ही नहीं, ध्यान में ही नहीं आती, तो वो जो सारे की पॉइंट्स हैं वो सब इसमें कवर होंगे, ताकि और सारा इनकम टैक्स चाहे आपको आए ना आए, लेकिन कुछ की पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए, बेसिक जिन्हें कहते हैं हम, वो सब भी इसमें कवर किया जाएगा, ताकि आपको एक कंबाइंड थॉरो नॉलेज हो कि आपने कैसे सारा काम करना है, हर चीज़ को कैसे प्लान करके आगे चलना है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको बेनिफिट क्या है, हमने मैं बीइंग अ CA आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर प्रोवाइड करूँगी कि इस पर्सन ने मेरे पास 45 डेज ट्रेनिंग की है, सारा काम सीखा है विद अ प्रॉपर ग्रेडिंग एज़ पर योर ग्रास्पिंग पावर, एज़ पर योर स्किल्स, एज़ पर योर परफॉर्मेंस इन द क्लास, जो सब मैं ऑब्जर्व करूँगी ड्यूरिंग द क्लासेस, उसके बेसिस पे आपको एक ग्रेड मिलेगा जो आपको आगे नो डाउट बहुत हेल्प करेगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग, हमारी एक लास्ट एक या दो सेशंस होंगे, जो आपको बेसिकली सारी क्लासेस मैंने कैट प्रो के ऊपर लेनी है, लेकिन लास्ट में 2-3 डेज की क्लासेस ज़रूर होंगी, जो कि आपको एक बार टैली के भी सारे फंक्शन सिखाए जाएंगे, जो पंजाब में मेन यही दो सॉफ्टवेयर्स चलते हैं, कैट प्रो एंड टैली। कैट प्रो तो 90% ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट यूज़ करते हैं, उसको तो हमने 110% कवर करना ही करना, लेकिन जो टैली है वो भी काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, तो हम लास्ट में 2-3 क्लासेस टैली की भी लगाएंगे, एक सेपरेट टीचर आएंगे, वो आपको टैली के सारे फंक्शन सिखाएंगे, सारा कुछ करना सिखाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड।
एंड एक सॉफ्टवेयर आपने बहुत अच्छे से सीख लिया, थरली कर लिया, कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है वो सीखना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अगर आप यहाँ क्लासेस से निकल के भी कोई और सॉफ्टवेयर, आपको इंडस्ट्री में गए हो, आपको कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया सामने, कोई आइडिया का आ गया या कोई सैप आ गया, कोई भी चीज़ आ गई, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। आपने एक चीज़ कर ली तो दूसरी चीज़ आपके लिए करना बहुत बहुत ईजी है। इसमें ये सारी चीज़ें कंबाइन करके सब आपने, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू विल बी अ फुल फ्लेज्ड अकाउंटेंट। किसी भी इंडस्ट्री में 110% अपना पूरा काम संभालने के लिए यू विल बी कैपेबल एंड यू कैन डू दिस। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।